नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो लैपटॉप को, जो कि आते हैं लेनोवो की तरफ से लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3i एंड ऑनर की तरफ से रिसेंटली रिलीज हुआ लैपटॉप होनर मेज 15। ये दोनों ही लैपटॉप में एक लैपटॉप आता है इंटेल प्रोसेसर के साथ एंड दूसरा लैपटॉप आता है एएमडी प्रोसेसर के साथ। तो चलते हैं, दोनों लैपटॉप को अच्छी तरह से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं 45,000 के अंदर आपको किसको खरीदना सही रहेगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डीटेकी। पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। लेनोवो आइडियापैड 3i पे आपको 15.6 इंच का एक एलईडी बैकलाइट एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी फुल एचडी की। यहां पर आपको बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ऑनर मेज 15 की, यहां पर आपको 15.6 इंच का एक आईपीएस फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगी फुल एचडी की। यहां पर आपको 178 डिग्री की व्यूइंग एंगल देखने को मिलेगा। इसके साथ यहां पर आपको 87% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। इसके कारण यहां पर आपको बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो ऑनर मेज 15 पे आपको एक आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इसके साथ आपको 178 डिग्री की व्यूइंग एंगल देखने को मिल जाता है। इसके कारण यहां पर आपको डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है। सो डिस्प्ले के मामले में होनर मेज 15 एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है। सो यहां पर विनर है होनर मेज 15। अब डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों लैपटॉप लाइटवेट, स्लीक एंड वेरी स्टाइलिश डिजाइन के साथ मिल जाता है। लेनोवो आइडियापैड 3i पे आपको प्लास्टिक बोर्ड डिजाइन के साथ मिलता है। यहां पर इसका वेट मिलता है 1.85 केजी की। अगर हम बात करें होनर मेज 15 की, यहां पर आपको एल्युमिनियम बॉडी डिजाइन के साथ मिलता है। इसका जो एज में आपको ब्लू सीन देखने को मिलता है, इसके कारण इसका जो लुक्स बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। यहां पर इसका वेट है 1.53 केजी की। ओवरऑल यहां पर डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऑनर मेज 15 का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतर यहां पर मिल जाता है। सो यहां पर डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में ऑनर मेज 15 एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है। सो यहां पर विनर है ऑनर मेज 15। और प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। लेनोवो आइडियापैड 3i पे आपको इंटेल i5 10th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका प्रोसेसर वेरिएंट है 10350G1। अगर हम बात करें ऑनर मेज 15 की, यहां पर आपको राइजन 5 सीरीज का 3500U प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा प्रोसेसर है। तो ओवरऑल यहां पर दोनों ही प्रोसेसर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। दोनों ही प्रोसेसर का परफॉर्मेंस आपको लगभग एक जैसे मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं ग्राफिक्स के बारे में। दोनों ही लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। लेनोवो आइडियापैड 3i पे आपको इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ऑनर मेज 15 की, यहां पर आपको इंटीग्रेटेड एएमडी रेडियन वेगा ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स है अगर हम कंपेयर करें इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स से। सो ऑनर मेज 15 पे आप गेमिंग एंड एडिटिंग अच्छे से कर पाओगे। अब रैम के बारे में बात कर लेते हैं। लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3i पे आपको 8GB DDR4 रैम देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2666 मेगाहर्ट्ज। यहां पर आप रैम एक्सपैंड कर सकते हो 12GB तक। अगर हम बात करें ऑनर मेज 15 की, यहां पर आपको 8GB DDR4 रैम देखने को मिलता है, जिसका मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है 2400 मेगाहर्ट्ज। बट यहां पर आप रैम एक्सपैंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आपको रैम फिक्स्ड मिलेगा। जो लोग रैम एक्सपांड करना चाहते हैं वो यहां पर रैम एक्सपांड नहीं कर सकते। सो रैम के मामले में एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3i। सो यहां पर विनर है लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3i। अब स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3i पे आपको 1TB SSD इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। इसके साथ यहां पर आपको M.2 का स्लॉट भी दिया गया है, जो कि आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो SSD के साथ। अगर हम बात करें ऑनर मेज 15 की, यहां पर आपको 256GB का PCIe NVMe SSD देखने को मिलता है, जो कि आप अपग्रेड नहीं कर सकते। आप रिप्लेस करवा सकते हो बट आप अपग्रेड नहीं कर सकते। आपको रिप्लेस करवाने के लिए आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। ओवरऑल स्टोरेज की बात करें तो लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3i पे आपको स्टोरेज एक्सपांड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, बट ऑनर मेज 15 पे ये नहीं मिलता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों लैपटॉप में आपको विंडोज 10 होम एडिशन प्री इंस्टॉल मिल जाएगी। अब पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों लैपटॉप में आपको सारे तरह के पोर्ट्स मिल जाता है, बट लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3i पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि ऑनर मेज 15 पे ये देखने को नहीं मिलता है। और बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3i पे आपको 35Wh का बैटरी देखने को मिलता है, के साथ आपको 65W का पावर अडॉप्टर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ऑनर मेज 15 की, यहां पर आपको 42Wh का बैटरी देखने को मिलता है। इसके साथ आपको 65W का टाइप सी फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। सो यहां पर देखें तो ऑनर मेज 15 पे आपको टाइप सी फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इसके कारण ये लैपटॉप एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप बन जाता है। उसी चार्जर पर आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, उसी चार्जर पर आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो।
ओवरऑल बैटरी के बारे में बात करें तो ऑनर में इस 15 का एक बेहतर बैटरी देखने को मिल जाता है। इसके कारण यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। सो बैटरी के मामले में ऑनर में इस 15 एक बेहतर लैपटॉप निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 ऐप आपको फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर बैकलेट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर हम बात करें ऑनर में इस 15 की, यहाँ पर आपको चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको बैकलेट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब वेबकैम के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों लैपटॉप में आपको वेबकैम देखने को मिल जाता है, बट ऑनर में इस 15 पे आपको एक यूनिक स्टाइल पे वेबकैम देखने को मिल जाता है, जो कि एक पॉपअप कैमरा है, वो भी आपको कीबोर्ड के पास मिल जाता है। जब आप उसे यूज करना चाहो आप उसे यूज कर सकते हो, जब आप उसे यूज मत करना चाहो आप उसे बंद भी कर सकते हो। और फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं। Lenovo Ideapad Slim 3 पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, बट ऑनर में इस 15 पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में। Lenovo Ideapad Slim 3 आपको पड़ जाएगा 44,990 रुपीस अमेजन पे। अगर हम बात करें ऑनर में इस 15, ये आपको पड़ जाएगा 42,990 रुपीस फ्लिपकार्ट पे। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Lenovo Ideapad Slim 3i विद ऑनर मेज 15। अब लास्ट में मुद्दे की बात, किसको कर दें, Lenovo Ideapad Slim 3i को कर दें या ऑनर मेज 15 को कर दें। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, आप डायरेक्ट बिना कुछ सोच समझ के आप ऑनर मेज 15 के साथ आप आराम से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर डिस्प्ले मिल जाता है, बेटर डिजाइन मिल जाता है, बेटर बैटरी भी मिल जाता है, और क्या मतलब एक लाइट वेट लैपटॉप देखने को मिल जाता है। बट Lenovo Ideapad Slim 3i पे आपको इतना अच्छा डिजाइन भी नहीं मिलता, बैटरी भी इतना अच्छा नहीं मिलता, एंड डिस्प्ले भी इतना अच्छा नहीं मिलता। बट जो लोग इंटेल प्रोसेसर का लैपटॉप खरीदना चाहते हैं वो ये लैपटॉप के साथ आराम से जा सकते हैं। बाद में आप कौन सा लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उससे भी कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। ओके चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।